राजधानी दिल्ली में खराब हुई फिजा ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। आसपास के राज्यों में जलने वाली पराली और दिवाली के मौके पर हुई आतिशबाजी की वजह से राजधानी में प्रदूषण अधिक बढ़ गया है। शुक्रवार को दो इलाकों में एयर क्वालिटी 700 से अधिक दर्ज की गई, हालांकि औसत तौर पर यह आंकड़ा 360 है। इसके अलावा राजधानी के कई इलाके रेड जोन में बने हुए हैं। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली की ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 पाई गई है। यह एयर क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब श्रेणी में आती है। इससे पहले बीते दिन भी एयर क्वालिटी बहुत खराब दर्ज की गई थी। और विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, और जैसे कि आप ग्लास ऑफ करके चलाइए तो बहुत आँख में जलन सी होती है, बहुत ज़्यादा मतलब पोल्यूशन टाइप से लग रहा है। सामने का दिखाई दे रहा है? नहीं सर, मतलब कुछ ज़्यादा दूर का नहीं दिखाई देता, मतलब 100-200 मीटर तक दिखाई देता है, इसके बाद नहीं दिखाई देता है, इतना मतलब पोल्यूशन है। कैसे देखते हैं, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है? हाँ बहुत ज़्यादा है, मतलब विजिबिलिटी मतलब बिल्कुल विजिबिलिटी है ही नहीं, है ही नहीं। क्या नाम आपका? अरुण सिंह। क्या नाम आपका? आपका नाम रेनू। रेनू जी, तो ये एयरपोर्ट के एरिया में हम लोग यहाँ पे, हाँ जी, धूम लगी हुई है, तो बिजली बची है, पानी के कारण बहुत बहुत खराब है। कैसे देखते हैं आप, कितनी किस तरह की प्रॉब्लम है आपको? यहाँ प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है पोल्यूशन की वजह से, आँखों में प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत है, छोटे छोटे बच्चे बाहर जाके खेल नहीं सकते, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है। और ये पोल्यूशन क्यों है, गवर्नमेंट तो काम कर ही रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम है कि जो हम लोग हैं दिवाली में जो पटाखे जलाए हैं, जो जलाए उसकी वजह से ही ज़्यादा पोल्यूशन है ना। ये एयरपोर्ट के एरिया में ही ज़्यादा। दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ। राजीव, दिल्ली की स्थिति तो लगातार खराब होती जा रही है, तमाम प्रयास अरविंद केजरीवाल सरकार हर साल करती है, लेकिन इन प्रयासों का धरातल पर कोई असर नजर नहीं आ रहा। राजीव। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार की मुहिम की, तो दिल्ली सरकार ने जो मुहिम चलाई थी पटाखों पर रोक लगाकर कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कोशिश की गई थी, मगर वो कोशिश जो थी वो धरातल पर कामयाब होती नजर नहीं आई, और लगातार कहीं ना कहीं पटाखों का इस्तेमाल हुआ, यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर जरूर बैन किए गए थे, यहाँ तक कि वे भंडारण करने के लिए या तो बेच नहीं सकते थे, मगर यहाँ तक कि जलाने के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई थी, मगर यहाँ पर दिल्ली की जनता ने जमकर आतिशबाजी की, चाहे वो दिल्ली के गुड़गांवा से लेके आए हों या फिर कहें गाजियाबाद से लेके आए हों, नोएडा से लेके आए हों, मगर आतिशबाजी जैसे ही दिल्ली के अंदर आई और आने के बाद में दिवाली पर जिस तरीके से उसका इस्तेमाल किया गया, उससे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर इतना ज्यादा बढ़ चुका था, और वो कहीं ना कहीं लोगों को कहीं ना कहीं दम घोटू कह सकते हैं वातावरण के अंदर महसूस होता हुआ नजर आया। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अभी की, तो अभी भी कहीं ना कहीं जो मौसम है वो कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज का जो बात करें एक्वायर लेवल की तो वो भी कहीं ना कहीं 400 से ज्यादा है, तो कुछ इलाकों के अंदर ये तो 500 से भी ज्यादा नजर आ रही है। मगर इस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है, और आज गोपाल राय ने भी एक सरकारी निर्माण बिल्डिंग को भी उसको जुर्माना किया गया 5 लाख रुपए का, क्योंकि वो सरकारी निर्माण हो रहा था, मगर उसके अंदर भी कहीं ना कहीं धूल फैलाई जा रही थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर जो था बिगड़ा हुआ था, मगर लगातार जिस तरीके की कोशिश कर रही है दिल्ली सरकार वो बिल्कुल नाकामी होती साबित होती नजर आ रही है, और दिल्ली के अंदर लगातार जो है वो हवा जो है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है, पॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल बढ़ रहा है, और लोगों को कहीं ना कहीं खासी दिक्कतें भी आ रही है, आंखों के अंदर जलन की शिकायत भी देखने को मिल रही है, गले के अंदर कहीं ना कहीं कह सकते खारिज भी देखने को मिल रही है, और लगातार कहीं ना कहीं डॉक्टर जो मरीज हैं वो लगातार डॉक्टरों की तरफ रुख कर रहे हैं, और कहीं ना खास तौर पर बात करें बुजुर्ग लोगों की और बच्चों की, तो कहीं ना कहीं उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, और अभी तो ये भी देखने में आ रहा है कि लगातार दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। राजीव, कोई आंकड़ा है कि पिछले एक सप्ताह के अंदर कितने मरीज बढ़ गए हैं अस्पतालों में, और सबसे ज्यादा अस्थमा के रोगी अब सामने आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर बात करें अस्थमे की, जिसकी जिसकी वजह से लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी होती है सांस लेने में, उनके सबसे ज्यादा मरीज जो है अस्पतालों के अंदर जा रहे हैं, और लगातार कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर भीड़ देखने को मिल रही है। मगर बात करें जिस तरीके से सरकारी आंकड़ों की, तो सरकारी आंकड़े जरूर अभी पेश नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन का स्तर है उसको कंट्रोल करके दिखाया जाए, मगर दिल्ली सरकार की माने तो दिल्ली सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है पराली को लेकर भी कहीं ना कहीं और राज्यों से बात की जा रही है, मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर बढ़ा हुआ है उससे कहीं ना
कहीं दिक्कतें आई हुई हैं और लगातार कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करने के लिए कोशिश भी करते नजर आ रही है। हमारे साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं जो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप वाकई में दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन जो है वो बढ़ चुका है या फिर कम है। सर आप जरा इधर आएंगे, जरा आपसे जानने की कोशिश करते हैं क्या दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन जो है वो किस तरीके से बढ़ा हुआ है और आप लोगों को सांस लेने में क्या दिक्कतें आ रही हैं। बिल्कुल, जो है सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे हमें कोई बीमारी हो गई है सांस की, और जब सुबह सो के उठते हैं हम लोग तो आंखों में जलन सी होती है। घर से बाहर जैसे आते हैं तो ऐसा लगता है आंखों में जलन हो रही है। और रही बात सांस लेने की, सांस की तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दिल्ली में है। और जब उठते हैं तो बाहर देखते हैं धुंधलापन रहता है, धूप की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, इससे बहुत सारी परेशानियां बढ़ जाती है। जो पॉल्यूशन की वजह से सूरज के जो दर्शन होने चाहिए थे वो होते हुए नजर नहीं आ रहे, और अभी का जो लगभग समय है लगभग 3:30 बजे के करीब करीब समय होने लगा, मगर अभी तक सूरज देवता के दर्शन नहीं है क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो है इधर साइड में जो है धूप नहीं है और धुआं भी एकदम पूरा धुआं चारों तरफ आया हुआ है, ये पॉल्यूशन की ही एक है। इसमें सरकार को चाहिए कि अपने ठोस कदम उठाएं। अच्छा, दिल्ली सरकार की माने तो दिल्ली सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है क्या वो काफी होती नजर आ रही है? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जब तक दिल्लीवासी जो है अपने आप को स्वस्थ महसूस ना करें तब तक ये कोशिश जो है नाकाम मानी जाएगी। बिल्कुल, दिल्ली देखा आपने, कोशिशों पर कहीं ना कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं, लोगों को भी लग रहा है कि दिल्ली सरकार को जितने कदम उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए। शुक्रिया राजीव, आप हमारे साथ जुड़े इतने महत्वपूर्ण मसले पर तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली में पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है और उसका सॉल्यूशन कोई नजर नहीं आ रहा। आने वाला वक्त बताएगा जब सर्दियां ज्यादा तेजी से बढ़ेंगी तो क्या पॉल्यूशन के स्तर में गिरावट दर्ज